Hello everyone, welcome to Shom's IAS. Me hoon Shivangi Sharma and here I'm with 6th chapter of class 8th history. So the 6th chapter hai, that is civilizing the native and educating the nation. Theek hai. So sabse pehle hum chapter ke jo kuch words hain unko discuss kar lete hain ki civilizing kya hota hai. Civilizing is basically giving her ek achhe tarike se zindagi dena, aap bol sakte ho, matlab ki aap unko aur sabhya banana. Theek hai. And what is native? Native is the people living in a particular place. जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में हम लोग रहते हैं, मैं आप हम सब इंडिया में रहते हैं, so we are the native of India, ठीक है, and educating the nation. Okay, so अभी तक हमने जितने भी चैप्टर डिस्कस करे हैं उसमें हमें ये पता चला कि ब्रिटिशर्स का जो रूल्स आया उसमें चाहे वो राजास हो, नवाब हो, पीजेंट्स हो या ट्राइब्स हो, सभी को फ़र्क पड़ रहा है उन चीज़ों से, है ना, किसी ना किसी तरीके से उसका इफ़ेक्ट तो आया है. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो भी रूल्स या जो भी चेंजेस लाए उसकी वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट आया, ठीक है, स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या क्या इम्प्लीकेशंस आए. तो जो ब्रिटिश हैं, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया में थे, वो सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट ही नहीं चाहते थे, या मतलब सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं चाहते थे, मतलब वो उनकी इच्छा सिर्फ यही नहीं थी कि वो पूरे पूरे टेरिटरी पे अपना राज जमा सके या सबसे ज़्यादा कर इकट्ठा कर सके. वो ये भी चाहते थे कि वो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको और सिविलाइज करेंगे. उनको ऐसा लगता था कि हम लोग तो पता नहीं क्या हैं, गवार हैं हम लोग बहुत, तो यही लोग हम लोगों को सिविलाइज करेंगे, हमें पढ़ाएंगे और हमारी सारी कस्टमर वैल्यूज़ चेंज करेंगे. ठीक है, तो क्या करा ऐसा ब्रिटिशर्स ने, क्या इंडिया की एजुकेशन में उन्होंने क्या चेंजेस लाए और ब्रिटिशर्स को मतलब क्या क्या करना पड़ा, सो यही हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो ब्रिटिशर्स को क्या लगता था, मतलब हाउ ब्रिटिशर्स ने कैसे देखी एजुकेशन. सो अगर हम देखें कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी आइडियाज़ हैं उनको, मतलब अब उन्होंने लगभग 200 साल वो रह चुके थे, तो उन्होंने ना कुछ एवोल्यूशन करें हमारे एजुकेशन में. सो इस प्रोसेस में उन्होंने इंक्वायरी करी. सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि इंडियंस कैसे रिएक्ट करेंगे इन ब्रिटिश आइडियाज़ में. ठीक है, तो मतलब ब्रिटिशर्स कैसे, मतलब जो इंडियंस है वो कैसे नज़रों से देखेंगे, कैसे व्यूज़ बनाएंगे. ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने अपने ही बना दिए थे सुपरस्टिशंस कि इंडियंस को कैसी एजुकेशन देनी चाहिए और कहाँ एजुकेशन देनी चाहिए. ठीक है, उनको ऐसा लगना चाहिए था कि उनको ऐसा लग रहा था कि इंडियंस को एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है, इंडियंस तो मतलब कुछ है ही नहीं. ठीक है, अ ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. सो 1783 में एक पर्सन थे जिनका नाम था विलियम जोन्स, जो कि कलकत्ता आए और वो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज बनकर आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट कंपनी ने सेटअप करा था. तो कंपनी को ना ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स. ठीक है, सो वो लॉ के एक एक्सपर्ट थे, साथ साथ में वो एक लिंग्विस्ट भी थे. सो व्हाट इज़ अ लिंग्विस्ट? लिंग्विस्ट इज़ अ पर्सन जिसको काफ़ी लैंग्वेजेस आती है, सेवरल लैंग्वेजेस आती है. ठीक है, सो उन्हें ग्रीक भी आती थी, उन्हें लैटिन भी आती थी. ठीक है, मतलब उन्होंने ग्रीक और लैटिन ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी. उन्हें फ्रेंच आती थी, उन्हें इंग्लिश भी आती थी और अरेबिक उन्होंने अपने फ्रेंड से सीखी थी और उन्होंने कलकत्ता में पर्शियन भी सीखी थी. ठीक है, तो वो मतलब और उसके साथ साथ वो जो पंडित थे उनके साथ, उनके मतलब दिन में काफ़ी घंटे उनके साथ स्पेंड करते थे और उनको मतलब संस्कृत लैंग्वेज और ग्रामर का भी मतलब आता था, सब टाइटल्स उन्हें पता थे. ठीक है, सो उन्होंने ग्रामर और पोइट्री भी पढ़ी संस्कृत में और जल्दी ही उन्होंने इंडियन टेक्स्ट को, जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, उनको भी पढ़ना शुरू कर दिया. फिलॉसफी हो, लॉ हो, रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, मोरालिटी हो, अर्थमेटिक हो, मेडिसिन हो या कोई अदर साइंसेज हो. ठीक है, उन्होंने हर एक पढ़ लिया था. फिर जॉन्स ने डिस्कवर करा कि उनका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने मतलब शेयर करा कलकत्ता में. तो एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनील हॉलहेड, तो वो भी उन्हीं की तरह इन इंडियन लैंग्वेजेस को मतलब डिस्कवर कर रहे थे और इंडियन लैंग्वेज में मास्टरिंग भी कर रहे थे. ठीक है, वो संस्कृत और पर्शियन वर्क्स को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहे थे. ठीक है, सो इन लोगों ने साथ में मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई बंगाल की और उसे मतलब एशियाटिक रिसर्चेस का उन्होंने नाम दिया. ठीक है, सो जो जॉन्स और कोलब्रुक थे उन्होंने वो रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि कैसा एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स इंडिया. तो उनके दिल में बेसिकली बहुत ही डीप रिस्पेक्ट थी इंडियन कल्चर के लिए, चाहे वो इंडिया हो या वेस्ट हो. वो अंग्रेज़ों की तरह नहीं थे कि हाँ इंडिया का कल्चर तो बहुत गंदा है, इंडिया तो बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, मतलब वेस्ट का कल्चर ही अच्छा है.
नहीं वो ऐसे नहीं थे, उन वो इंडिया के कल्चर के को भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, उन्हें लगा, उनको ऐसा लगा कि अगर वो ये चीज़ डिस्कस करेंगे बाहर तो उन्हें याद आएगा कि उनकी एशियन का जो पास्ट है उसमें कितनी ग्लोरी थी, जो कि धीरे 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 ख़त्म हो गया जब ब्रिटिशर्स आए। तो इंडिया को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें जो भी सेकर्ड और लीगल टेक्स्ट थे, सेकर्ड टेक्स्ट मतलब जो भी वेदास थे, जो भी ग्रंथ थे, वो उन्होंने पढ़े, जो कि एंशियंट टाइम पे बनाए गए थे, ठीक है। और उन्होंने उन्हीं को रिवील किया, रियल आइडियाज़ बताए उन्होंने, और लॉज भी पढ़े जो कि हिंदूज और मुस्लिम के लिए थे, ठीक है। फिर ऐसी नई स्टडी की गई ताकि इंडिया का फ्यूचर डेवलपमेंट भी हमें पता चल पाए उसी बेसिस पे, बिकॉज पास से रिलेटेड ही उन्होंने बोला कि अगर हमें इंडिया का फ्यूचर जानना है कि क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमें संस्कृत भी जानना पड़ेगा, मतलब पास्ट भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जोन्स और कोलब्रुक थे वो गए और उन्होंने डिस्कवर करा हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को, और उनका मीनिंग्स उन्होंने समझने की कोशिश की, उनको ट्रांसलेट करा, और उन्होंने वो दूसरों को भी सुनाए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये इनको इनके ये बिलीव कर रहे थे अगर इस प्रोजेक्ट से ना सिर्फ ब्रिटिशर्स को पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स को पता चलेगा इंडियन कल्चर के बारे में, जबकि इंडियंस को भी याद आएगा कि हाँ उनका पास्ट, उनका हेरिटेज, उनके पास कितनी ग्लोरी थी जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद चली गई, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ऐसा स्टडी करेंगे तो ये जो ब्रिटिशर्स है ये इंडियंस के गार्डियंस बन जाएंगे, ठीक है, गार्डियंस बन जाएंगे और उनके मास्टर्स बन जाएंगे। इस आइडिया से जो कंपनी के ऑफिशियल है वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने उन्होंने सोचा कि वो वेस्टर्न लर्निंग के बजाय इंडियन लर्निंग को प्रमोट करेंगे, ठीक है। और हाँ, उन्होंने बोला कि वो इंडियन वेस्टर्न लर्निंग को नहीं प्रमोट करेंगे इंडिया में, इंडियन उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खुलवाए जिसमें उन्होंने एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ाया, जैसे कि संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड पोइट्री, ठीक है। तो इन ऑफिशियल्स ने सोचा है कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स को मतलब वो चीज़ें सिखानी चाहिए जिनसे वो ऑलरेडी फेमिलियर है, तभी वो उनकी वैल्यू जानेंगे, और तभी अगर हम उनको वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो उनके लिए एलियन है, एलियन इन द सेंस अभी नहीं है, आउटसाइडिंग है, तो वो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, और उनको यही लगेगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो अभी भी मतलब उनके उनके ऊपर राज करने की कोशिश कर रहा है बाहर की नॉलेज दे के। सो इसीलिए हम उन्होंने डिसाइड करा कि वो हिंदू और मुस्लिम को पुरानी फैमिलियर चीज़ें दिखाएंगे, जिसकी वजह से वो उनके दिल में अपनी जगह भी बना लेंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है, लोगों के दिल पे। तो क्योंकि बिकॉज़ वो रूलर जो रूलर थे वो एलियन रूलर थे और उनको रिस्पेक्ट चाहिए, सो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम पुरानी चीज़ें ही उनको बताएंगे, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट्स इसी व्यू में जो है एक मदरसा खोला गया। मदरसा क्या होता है? मदरसा इज अ एक अरेबिक वर्ड है उसी जगह के लिए जहाँ पे आप पढ़ते हो, ठीक है। सो जैसे हम पढ़ते हैं, हम जहाँ जाके पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप स्कूल में जाके पढ़ते हो, सो दिस इज़ अ प्लेस वे यू गो एंड स्टडी, राइट। सो यहाँ पे आप लर्निंग करते हो। सो मदरसा भी एक अरेबिक वर्ड है उसी जगह के लिए जहाँ पे आप जाके पढ़ाई करते हो या फिर लर्निंग करते हो, ठीक है। सो सेम ही चीज़ है बेसिकली। सो ये मदरसा खोला गया 1781 में, वो भी कलकत्ता में, ताकि अरेबिक स्टडी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। फिर पर्शियन और इस्लामिक लोग के लिए, और मतलब जो मदरसा था इसमें अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ सिखाया जाता था। और एक हिंदू कॉलेज भी खोला गया बनारस में 1981 में, जिससे जो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है उसको भी पढ़ाया जा सके, और जो भी यूज़फुल एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री की उन्हें भी पढ़ाया जा सके हिंदू कॉलेजेस में, ठीक है। सो हर एक ऑफिशियल का ये व्यू नहीं था, ज़्यादातर जो काफ़ी ऐसे थे जो कि ओरिएंटलिस्ट। व्हाट इज़ ओरिएंटलिस्ट? ओरिएंटलिस्ट वो नॉलेज है जो कि एशिया के लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड है, मतलब ठीक है, बेसिकली एशिया आता है इसमें, मतलब जिसमें आप नॉलेज, मतलब जिसमें आप हमारा कल्चर और लैंग्वेज सिखाते हो, वो नॉलेज दैट इज़ ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। सो काफ़ी अभी ऑफिशियल्स ऐसे थे जो कि बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें ये नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, ठीक है। अर्ली 19th सेंचुरी में काफ़ी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि हम ये चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, हम ओरिएंटलिस्ट विजन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बिकॉज ईस्ट का जो भी नॉलेज है उसमें बहुत सारे एरर है, सिर्फ इंडिया नहीं, उन्होंने बोला ईस्ट में जो भी कंट्रीज आती हैं वो सभी बहुत ही मतलब एरर है, चाहे चाहे उसमें जापान हो, चाहे चाइना हो,
इन सभी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और बहुत ही अनसाइंटिफिक थॉट्स है। और जो ईस्टर्न लिटरेचर है वो बहुत ही नॉन सीरियस है और बहुत लाइट हर्टेड है, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला। ठीक है, तो उन्होंने फिर से आर्ग्यू करा कि हम ब्रिटिशर्स जब इन कल हम अगर अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, सो हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हम इतना पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं, डैट इज़ अ वेस्ट। ठीक है, फिर जेम्स मिल्स आते हैं जिन्होंने इन सारे मतलब ओरिएंटलिस्ट पर डायरेक्ट अटैक करा। उन्होंने बोला कि जो भी ये चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये हमें नहीं पढ़ानी चाहिए, और हमें अगर उनकी हमें उन्हें यूज़फुल और प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो हम उन्होंने बोला कि इंडियंस को फैमिलियर बनाना चाहिए हमें साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस से जो कि वेस्ट के पास है ना। जबकि जो हम ये पोइट्री और ये लिटरेचर वगैरह पढ़ा रहे हैं, सेकेंड लिटरेचर, ये हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, जबकि हमें उनसे प्रैक्टिकल चीज़ें उन्हें पढ़ानी चाहिए। ठीक है, सो वैसे ही 1830s में जो ये ओरिएंटलिस्ट पे अटैक हुआ ये और ज़्यादा शार्पर हो गया और बहुत ही मतलब ज़्यादा क्रिटिक्स आ गए इनके पास, जबकि थॉमस बेबिंगटन मकॉले आए। ठीक है, उन्होंने बोला इंडिया से ज़्यादा अनसिविलाइज कंट्री कोई हो ही नहीं सकती और इसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है, और नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, मतलब उनके अकॉर्डिंग ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी ब्रांच इंग्लिश इंग्लैंड की इंग्लैंड के कंपैरिजन पे नहीं है। ठीक है, सो कौन इस बात पे डिनाई कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए इंग्लैंड का जो नॉलेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न वंस। तो उन्होंने बोला कि अगर हम एक शेल्फ में यूरोपियन लाइब्रेरी की बुक्स रख दे और बाकी पूरी लाइब्रेरी में इंडिया और अरबिया के वो रख दे जो नेटिव है लिटरेचर है, फिर भी जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश नॉलेज है, जो यूरोपियन नॉलेज है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें ये वे हमें इन ओरिएंटल लर्निंग पे पैसे वेस्ट करना बंद करना चाहिए बिकॉज उनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है ही नहीं। ठीक है, इतनी ग्रेट एनर्जी और पैशन के साथ मोकली ने एम्फेसाइज किया कि हमें इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि इंग्लिश की वजह से जो लॉ जो इंडियंस है वो फाइनेस्ट लिटरेचर पढ़ सकेंगे जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो पूरी दुनिया प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और वो उनको वो अवेयर होंगे कि वेस्टर्न दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या साइंस और फिलोसफी चल रही है, वो भी वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो इंग्लिश उनको पढ़ाएंगे तो वो लोगों को सिविलाइज करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, और उनसे लोगों के टेस्ट भी चेंज होगी, वैल्यूज़ भी चेंज होगी और कल्चर भी चेंज होगी। ठीक है, सो एक मोकिले का मिनट बना। इट वॉज़ नॉट अ मिनट, मतलब ये एक पूरा लेक्चर जैसा था जिसमें वो इंग्लिश एजुकेशन, जिसमें 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें मतलब हायर एजुकेशन का बेसिकली ज़्यादा इन्होंने दबाव डाला कि जो हायर एजुकेशन है उधर ही क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कलकत्ता का जो मदरसा था और बनारस में जो संस्कृत कॉलेज था, इसको बंद किया जा सके। इन्होंने बोला कि ये जो भी इंस्टीट्यूशंस है ये तो टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, इससे लोगों के दिमाग में और अंधेरा छाएगा, लोग बाहर तो पढ़ ही नहीं, बाहर का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो अब जो है स्कूल्स में भी इंडियन टेक्स्ट बुक्स सॉरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स आने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक्स आने शुरू हो गए थे जो एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब यहाँ पे देखते हैं, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने लंदन में एक एजुकेशनल डिस्पैच सेट किया जनरल गवर्नर के लिए, गवर्नर जनरल ने इंडिया में इंडिया के लिए। ठीक है, तो जो कि चार्ल्स वुड के अंदर इशू किया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी के। ठीक है, जो कि बाद में उसको वुड्स डिस्पैच बोला गया, आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी। सो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की, हमें इस पे ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला फिर से कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देनी चाहिए हमें जो कि यूरोपियन लर्निंग में है, और ये जो ओरिएंटल नॉलेज है ये हमें नहीं देना चाहिए, इनको उन्होंने अपोज करा। ठीक है, तो वैसे ही जो प्रैक्टिकल यूजेस थी जो डिस्पैच पॉइंट कर रही थी, डैट वॉज यूरोपियन लर्निंग, जो कि वो बोल रहा था कि इंडियन को मतलब एडवांटेजेस तभी वो कर पाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि कैसे कैसे ट्रेड और कॉमर्स होता है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि किस कंट्री के कौन कौन से रिसोर्स डेवलप हो रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने उन्होंने बोला कि उन्हें यूरोपियन वे ऑफ लाइफ का पता, यूरोपियन वे ऑफ लाइफ हमें सिखानी चाहिए ताकि उनका टेस्ट बदले, उनका डिज़ायर बदले। और बेसिकली ये मेन मोटिव यही था कि जब ऐसा होगा तो ब्रिटिश जो गुड्स बनते हैं, जो बनते हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी इंडिया में भी, बिकॉज़ उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा और इंडियन अप्रिशिएट करने लग जाएंगे उन सारी चीज़ों को और यूरोप में बनने वाली चीज़ों को खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, सो
जो वुड्स का डिस्पैच था उसने ये भी बोला कि यूरोपियन लर्निंग से जो इंडियन का जो मॉरल कैरेक्टर है वो भी इम्प्रूव होगा। मतलब वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो इंडियन है उनमें कोई मॉरल कैरेक्टर ही नहीं है। मतलब हम उन्होंने बोला कि हम मतलब मोरालिटी नहीं है हम लोगों में, ठीक है। सो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम ये करेंगे या फिर मतलब उन्हें इंग्लिश नॉलेज ही देंगे तो उससे ये ट्रूथफुल बनेंगे, ऑनेस्ट बनेंगे और ज़्यादा कंपनी के सिविल सर्वेंट मिल जाएंगे जिनको हम ट्रस्ट कर सकेंगे और उन पर डिपेंड कर सकेंगे, ठीक है। तो उनका ये बोलना था कि ठीक है, मतलब इससे पहले तो इंडियंस तो भरोसे के लायक ही नहीं थे, मतलब ठीक है। सो कुछ भी मतलब जो इनका मन करे। तो जो लिटरेचर था उन्होंने ऐसा बोला कि जो इंडिया का लिटरेचर है वो सिर्फ ग्रेव्स का मतलब ग्रेव एरर नहीं है, जबकि उसमें लोगों को सेंस ऑफ ड्यूटी भी नहीं पता है, ना वो कमिटमेंट करना सिखाता है, ना वो स्किल सिखाता है, ठीक है। उनका ये बोलने का मतलब था कि इंडियन जो ईस्ट का कल्चर है उसमें ना स्किल्स हैं, ना आपको कुछ ये मतलब मोरालिटी सिखाता है, ना आपको कमिटमेंट सिखाता है करना, ना आपको मतलब ड्यूटी करना सिखाता है, ठीक है। तो जो 1854 का डिस्पैच था उससे काफ़ी सेवरल मेजर्स लिए गए ब्रिटिशर्स ने। तो जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स था ऑफ द गवर्नमेंट उनको मतलब उनका कंट्रोल एक्सटेंड कर दिया गया, और मतलब जो भी ओवरऑल मैटर्स थे एजुकेशन के लिए उसके रिगार्डिंग, तो काफ़ी स्टेप्स लिए गए, जिसमें जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज करा गया। और 1857 में जो भी सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट करा मेरठ और दिल्ली में, और जो यूनिवर्सिटी थी जो एस्टेब्लिश हो रही थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। सो उन्होंने अटेम्प्ट किया कि वो चेंजेस लाए विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का पूरा सिस्टम ही चेंज कर देंगे उन्होंने बोला, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बॉम्बे यूनिवर्सिटी है 19th सेंचुरी की, सो हियर इट इज़। और डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन यहाँ पे देखो तो एक आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन का था जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करा था इंडिया में 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो इन मिशनरीज को ऐसा लगता था कि ये जो एजुकेशन है इनको इम्प्रूव करना चाहिए, लोगों का जो मॉरल कैरेक्टर है वो सिखाना चाहिए इनको, और मॉरलिटी इम्प्रूव करनी चाहिए, और वो सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन से ही होगा। तो 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी इनका अपोज कर रही थी, 1813 तक जो है वो कंपेयर इनका अपोज ही कर रही थी, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर अभी मिशनरी आके मतलब धर्म परिवर्तन करने लग जाएंगे तो लोग जो है वो ब्रिटिशर्स पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करके रिएक्शन बहुत ही मतलब एग्रेसिव रिएक्शन दे सकते थे, ठीक है। सो उसके बाद उन्होंने मतलब जो हाँ जिन जगहों पे ब्रिटिशर्स का ज़्यादा राज नहीं होता था, वैसे एक जगह है सरमपुर जो कि मतलब दानिश के अंडर था, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करा गया 1800 में, और एक कॉलेज भी बना दिया गया 1818 में। तो ओवरऑल 19th सेंचुरी में मशीनरी स्कूल सेटअप हो गए ऑल ओवर इंडिया 1857 के बाद। सो आपने देखा होगा आज भी काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जैसे सेंट मैरी, माउंट कामल, ऐसे नाम से जो भी आपको स्कूल मिलते हैं जो भी कैथोलिक एजुकेशन देती है बेसिकली। आजकल तो इनको इंडियंस भी खोल रहे हैं, बट पहले के टाइम पे ये जो मिशनरीज हुआ करते थे वही इनको खोलते थे, ठीक है। सो यस, और यहाँ पे हमारे पास है फोटो सिरमपुर कॉलेज का जो कि हुगली रिवर के बैंक्स पे था नियर कलकत्ता। सो लोकल स्कूल्स के साथ क्या हुआ जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो लोकल स्कूल कहाँ गए, उन पर भी तो कुछ हुआ होगा ऑफकोर्स। तो हमारे पास विलियम एडम की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 1830s में विलियम एडम भी एक स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने बंगाल और बिहार का टूर किया, और उन्हें पता चला कि मतलब उन्होंने ये चीज़ निकाली, एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि जो एजुकेशन है वर्नाकुलर स्कूल्स की यानी कि लोकल स्कूल्स की, वो भी मतलब कैसा वहाँ पे काम चलता है और कैसी कैसी वहाँ पे चीज़ें होती है वो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने बताया कि बंगाल और बिहार में 100,000 पाठशालाएं हैं और हर एक पाठशाला में 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। तो बट जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे जो कि पढ़ाए जा रहे थे डैट वॉज मतलब 2,000,000 के वो ऊपर थे, ठीक है। सो इन इंस्टीट्यूशन को या तो बहुत ही जो वेल्दी लोग थे वो सेटअप कर दिया करते थे, या फिर जो गुरु होते थे वो खुद ही शुरू कर दिया करते थे मतलब उनको, ठीक है। तो जो सिस्टम इनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था, मतलब इतना उसमें रिजिडिटी नहीं थी। तो कुछ थिंग ऐसी थी जो कि आज की जो स्कूल्स है उनमें भी कुछ कुछ मतलब एसोसिएट कर सकते हो,
मतलब यहाँ पे ऐसे देखो कि जो वो पाठशाला थी उधर फिक्स्ड फीस नहीं थी, और ना ही कोई प्रिंटेड बुक्स वहाँ पे यूज़ हुआ करती थी, ना ही कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग थी, ना बेंच हुआ करते थे, ना चेयर्स थे, ना ही कोई ब्लैक बोर्ड था, ना ही सेपरेट क्लासेस का कोई सिस्टम था, ना रोल नंबर था, ना रजिस्टर्स थे, ना ही कोई एनुअल एग्जामिनेशन हुआ करता था, कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था। ठीक है, कुछ जगहों पे क्लासेस जो थी वो बनियान ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे हुआ करती थी, या फिर किसी विलेज की कोई दुकान या टेम्पल के कॉर्नर में वो हुआ करती थी, या फिर जो गुरु का घर, जो गुरु होता था वो अपने घर पे ही ये पाठशाला चला जाया करता था। ठीक है, जो फीस थी वो डिपेंड करती थी कि पेरेंट्स की इनकम क्या है, अगर गरीब है तो वो कम पैसे देते थे, अगर अमीर है तो ज़्यादा पे कर दिया करते थे। उस टाइम पे जो टीचिंग्स है वो ओरल हुआ करती थी और गुरु डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है, कोई सिलेबस नहीं होता था उस टाइम पे, और उस टाइम पे नीड्स के अकॉर्डिंग मतलब स्टूडेंट्स स्कूल आया करते थे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स को कोई भी मतलब डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट नहीं किया गया था, उनको वो सारे साथ में ही बैठ के पढ़ा करते थे, बट गुरु हर एक बच्चे के साथ सेपरेटली इंटरेक्ट करता था और हर एक बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा लिया करता था। ठीक है, एडम ने ये डिस्कवर करा कि बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम था वहाँ पे लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जब भी हार्वेस्ट का टाइम होता था, जब भी मतलब फील्ड हार्वेस्ट होती थी और बच्चे फील्ड में काम करते थे, उस टाइम पे पाठशाला में छुट्टियां दे दिया करती थी ताकि बच्चे काम कर ले, और जैसे ही हार्वेस्ट का सीजन ख़त्म हो जाता था तो पाठशाला फिर से स्टार्ट हो जाया करता था। ठीक है, तो ऐसा एक फोटो है, ऐसा एक सीनेरियो है, और पूरे चिल्ड्रंस भी वहाँ पे पढ़ सकते थे काफ़ी ईजीली। अब क्या हुआ कि नए रूटीन्स आए, नए रूल्स आए, मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि कंपनी अब जो प्राइमरी हायर एजुकेशन पे तो वो ज़्यादा कंसर्न थी, बट अब वो प्राइमरी एजुकेशन पे भी आ गई। ठीक है, तो जो भी लोकल पाठशाला थी पहले वो वहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी, वो जो चल रहा था वैसे चलने दे रही थी, बट 1854 में कंपनी ने डिसाइड करा कि जो वर्नाकुलर एजुकेशन है मतलब जो लोकल एजुकेशन है उसे भी इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, और ये एक ही चीज़ से हो सकता है कि जो सिस्टम है वो चेंज किया जाए, रूटीन्स बनाए जाए, रूल्स एस्टेब्लिश किया जाए और रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाए। तो ये सब कुछ कैसे हुआ कि गवर्नमेंट ने, जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने पंडित्स, कुछ पंडित को अपॉइंट करा और उनके अंडर 4 से 5 स्कूल आते थे। तो पंडित जी का ये टास्क हुआ करता था कि उन्हें पाठशाला में जाना है और उन्हें बताना है कि मतलब टीचिंग का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है, और हर एक गुरु को उन्होंने बोला कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स उन्हें सबमिट करनी जानी है, और क्लास जो है वो रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगी, और जो किताबों में लिखा गया है वही पढ़ाया जाएगा, और एनुअल एग्जामिनेशन का सिस्टम स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे, और स्टूडेंट्स को बोला गया कि तुम रेगुलर फीस दो और रेगुलर क्लासेस पे आओ। ठीक है, और उनके फिक्स सीट बन गई कि तुम्हें इन्हीं सीट में बैठना है, और नए नए डिसिप्लिन जो है वो अबे करने मतलब अबे करने पड़ेंगे। सो आप देखोगे ये सारे फेमिलियर है जो आज के एजुकेशन सिस्टम है उनसे। पाठशाला जिन्होंने ये रूल्स एक्सेप्ट कर लिए उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए कुछ पैसे दे दिया करती थी, और जो जो ऐसे थे जो इनको नहीं मतलब फॉलो करना चाहते थे उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं मिलता था। ठीक है, बट ऐसा क्या हो रहा था, बिकॉज जिन जिनको फंड गवर्नमेंट दे रही थी वो ना स्कूल काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, और जो गुरु मना कर रहे थे कि हम ये रूल्स नहीं अपनाएंगे वो ना कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, और वो स्कूल मतलब ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाए। ठीक है, तो नए रूल और नए नए कॉन्केस्ट बनाए गए, बट जो पुअर पीजेंट्स के, जो फैमिलीज़ के जो बच्चे थे वो नहीं आ पा रहे थे स्कूल, बिकॉज अब टाइम टेबल फ्लेक्सिबल नहीं था, टाइम टेबल फिक्स हो गया था और उनको छुट्टियां भी नहीं मिलती थी और उनको रेगुलर अटेंडेंस आना पड़ता था। ठीक है, तो जो हार्वेस्ट सीज़न में जब बच्चे छुट्टी कर लेते थे तो उनको उनको ऐसा लगता था कि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब इरेगुलर है, इसका मतलब इनडिसिप्लिन्ड है और इनको पढ़ना है ही नहीं, इसलिए स्कूल ही नहीं आते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन के लिए क्या एजेंडा बनाया गया। तो ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे सिर्फ वही नहीं थे जो एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे इंडिया की, जबकि इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी इन बारे में बात कर रहे थे। सो ये जो भी डेवलपमेंट हुआ यूरोप में, इंडियन को लगा कि हाँ वेस्टर्न एजुकेशन इतना जब फैल रहा है तो ये हमें भी अपना लेना चाहिए ताकि इंडिया भी मॉडर्नाइज हो सके, और इसलिए वो चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स और ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोले और एजुकेशन पे और ज़्यादा पैसा खर्च करें। सो इसके बारे में हम चैप्टर 8 में भी अभी और डिस्कस करेंगे। कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जिनको लगता था कि
अगर ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज भी करा तो ठीक है, बिकॉज उनकी वजह से हम थोड़े मॉडर्नाइज हो रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी भी थिंकिंग थी लोगों के अंदर, ठीक है। कुछ इंडियंस जो कि इस वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, उनमें से दो बहुत ही फेमस इंडिविजुअल्स जो है वो है महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या बोला। सो जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने हमें एनस्लेव कर दिया, मतलब हमें नौकर बना दिया है। महात्मा गांधी ने ये आर्ग्यू दिया कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है इसने इससे ना हमारे इंडियंस के मन में ना एक इन्फेरियॉरिटी का सेंस बना दिया है। इसका मतलब है कि अब हम खुद ही है, हमको खुद ही ऐसा लगता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सुपीरियर है, और हमारे कल्चर का जो प्राइड है वो उन्होंने हमारे ही मन से डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये एजुकेशन के लिए जहर है, महात्मा गांधी ने ऐसे बोला, ये पाप है, ठीक है। ये इंडियंस को एनस्लेव कर रहा है और उसके ऊपर मतलब एविल स्पेल कर रहा है, मतलब उसके ऊपर काला जादू कर रहा है, जो कि मतलब जब वेस्ट का एक चार्म इतना आ गया था इंडियन लोगों के दिल में, कि इंडियंस ऐसा बोल रहे थे कि ठीक है अच्छा है वो कर रहे हैं, तो है ना, मतलब ब्रिटिश रूल को एडमायर कर रहे थे, बट महात्मा गांधी चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो इंडियंस को रिकवर नहीं करने देगा, वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ला रहे हैं है ना, बट वो चाहते थे कि ये वो आए वापस। तो जब नेशनल मूवमेंट चला, उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, इसको छोड़ दो, और ब्रिटिशर्स को बोला कि मतलब बताया कि ब्रिटिशर्स अब हमें और एनस्लेव नहीं कर सकते हैं, सो लीव ऑल दिस, ठीक है। सो महात्मा गांधी को बहुत ऐसा लग रहा था कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है उनका जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो अलग है, ठीक है, मतलब उनको पढ़ाना चाहिए। सो एजुकेशन जो कि इंग्लिश एजुकेशन थी वो इंडिया को क्रिपल कर रही थी, इंडियंस के अंदर घुस रही थी बहुत बुरे तरीके से। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो इंडियंस है वो अपने ही सोशल और सराउंडिंग से दूर जा रहे थे, है ना, और मतलब अपनी ही जगह पे वो स्ट्रेंजर्स बन रहे थे, बिकॉज़ वो फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे थे और अपने लोकल कल्चर को डिस्पाइज कर रहे थे, अपने लोकल कल्चर को मतलब दबा रहे थे काइंड ऑफ, ठीक है। और उनको ऐसा ही लग रहा था कि वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है और हम उन लोगों का कल्चर तो गंदा है, मतलब बुरा है, खुद ही उन लोगों को ऐसा लग रहा था। तो जो इंग्लिश है उन्होंने मतलब इंग्लिश एजुकेशन जो थी अब वो मतलब बहुत ज़्यादा मासेस पे पढ़ाई जा रही थी, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न एजुकेशन है, महात्मा गांधी ने बोला कि ये सिर्फ रीडिंग राइटिंग और ओरल एजुकेशन पे ही फोकस करता है, वो ये नहीं देखता कि मतलब ये टेक्स्ट बुक की जो वैल्यूज़ है वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो कैसा जीना है और क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं सिखाता है। तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से पर्सन की, किसी भी आदमी की माइंड और उसकी आत्मा दोनों डेवलप हो, है ना, और वो फ्री रहे। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि हम लोगों को हाथ का काम भी आना चाहिए, क्राफ्ट का करना आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट भी हमें यूज़ करने आना चाहिए, और हमारे माइंड में वो कैपेसिटी हो ताकि हम इन चीज़ों को समझ सके, ताकि हम ज़िंदगी कैसे जीनी है वो समझ सके, ठीक है। अब हम देखते हैं टैगोर्स अबोड ऑफ पीस। अब रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना ही होगा, मैक्सिमम ने सुना होगा। आपको पता है ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया था और किसने एस्टेब्लिश किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करा था 1901 में, बिकॉज जब वो खुद बच्चे थे तो उनको स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, उनको ऐसा लगता था कि उन स्कूल में उनका दम घुटता है और वो काफ़ी ओप्रेसिव है, ठीक है, तो उनको स्कूल ऐसा मतलब जेल की तरह लगता था, और उनको मतलब ऐसा लगता नहीं था कि वो स्कूल जाके कुछ भी कर सकते, मतलब स्कूल बहुत उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने सोच लिया था कि वो एक ऐसा ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पर बच्चे खुले में पढ़ सके और वो खुश हो, मतलब जहाँ पे टीचर्स जो पढ़ाए वो बच्चों के दिमाग में जाए, जहाँ पे उनका दिमाग खुला है, वो चाहे कि उनके उनके क्या क्या थॉट्स है, क्या क्या डिज़ायर्स है, वो एक्सप्लोर कर सके और ज़्यादा। तो टैगोर ने सोचा कि जो चाइल्डहुड है वो सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है, तो उसको एक रिजिड और रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन में, जैसा जो स्कूली सिस्टम है वहाँ पे नहीं हो सकता, जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप करा था, जो टीचर्स है उनको इमेजिनेटिव होना चाहिए, उनको वो बच्चे को समझ सके ऐसा होना चाहिए एक टीचर, और चाइल्ड को हेल्प करिए उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने में, ठीक है। टैगोर के अकॉर्डिंग ये जो अभी स्कूल एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिशर्स से कर रहे थे, वो बच्चों की नेचुरल जो डिज़ायर होती है अंदर की उसको मार रहे थे, उनकी जो जो चाइल्ड की कोशिश होती है कि वो क्रिएटिव करे वो मारते जा रहे थे।
टैगोर का ये व्यू था कि लर्निंग मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एनकरेज हो सकती है। तो उन्होंने कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक रूरल सेटिंग में एक पीस का एक बोर्ड बनाया, जिसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा, जो कि नेचर की हारमोनी में था और बच्चे वहाँ जाके नेचुरल क्रिएटिविटी सीख सकते थे, है ना। काफ़ी सेंस में टैगोर और महात्मा गांधी के थॉट्स मिल रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं अलग भी थे, बिकॉज गांधी जी वेस्टर्न कल्टीवेशन को बिल्कुल ही मना करते थे, बट टैगोर वांटे थे, जो टैगोर थे वो चाह रहे थे कि मतलब दोनों हो, सिर्फ बिल्कुल इंडियन ही ना हो, बिल्कुल वेस्टर्न भी ना हो, दोनों का एक कम्बिनेशन हो, इक्वल इक्वल हो, एक बैलेंस रहे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी से लेके आर्ट, म्यूजिक और डांस भी वो वहाँ पर करवाते थे, ठीक है। काफ़ी इंडिविजुअल और थिंकर्स थे, ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने सोचा कि किस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को मतलब फैशन करें, क्या क्या चीज़ उस पर आनी चाहिए, मतलब क्या क्या चेंजेस उसमें लाने चाहिए। काफ़ी उन्हें ऐसा आर्ग्यू किया कि जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम है वो क्रिएट होना चाहिए, ताकि पीपल को मतलब ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे वो ट्रूली नेशनल बने, उनके अंदर ना देशभक्ति की भावना बढ़े, उनको नेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, है ना। जो कि अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद भी थोड़ा थोड़ा इस पर डिबेट चलता ही रहता है। सो यस, डेट इज़ इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो। सो ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज इसमें हमें एजुकेशन के बारे में पता चला। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दैट सो मेक श्योर कि आप आने वाले वीडियोज़ को भी देखें। सो यस, थैंक यू वेरी मच।